का स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश की राजधानी एक बार फिर वायु प्रदूषण के संकट से जूझ रही है। राजधानी की आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुँच गया है। बीते कुछ दिनों से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिससे दिल्ली की हवा बिगड़ने लगी है और दिल्ली वालों का दम घुटने लगा है। हालांकि दिल्ली के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी प्रदूषण लोगों के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का बागपत पहले स्थान पर है और देश के सबसे प्रदूषित चार शहरों में से उत्तर प्रदेश के तीन शहर शामिल हैं। आलम यह है कि बागपत का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं इस सूची में गाजियाबाद, नोएडा जैसे NCR के इलाके भी शामिल हैं। हालांकि अन्य शहरों की हालत भी बेहतर नहीं है। सभी शहरों का स्तर 300 से 400 के बीच है। इसे बहुत खराब माना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से शहर में प्रदूषण कम करने में मदद करने की अपील की थी और कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए NCR में शुक्रवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है। इस प्लान के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ ही NCR में प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली NCR में आज हल्की बारिश के बाद एयर क्वालिटी में कुछ सुधार आने की उम्मीद है। बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 51 से 100 को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है, वहीं 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक को गंभीर माना जाता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।